दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर की लागत ये क्या होते हैं। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के निम्नलिखित प्रकार के लाभ होते हैं, आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। नंबर एक, इस प्रकार के कंप्रेसर अधिक स्पीड के बने होते हैं, इस कारण ये सीधे ही इलेक्ट्रिक मोटर वे या स्टीम टरबाइन से जोड़े जाते हैं। नंबर दो, दूसरे कंप्रेसरों को या कंप्रेसरों की अपेक्षा यह कम स्थान घेरता है। नंबर तीन, इसमें कंपन नहीं होती है। कंपन क्या होता है? ऐसे हिलना, ये जो कंप्रेसर लगा होता है ये ज्यादा हिलता नहीं है, कंप का पार्ट नहीं आता है। नंबर चार, इसका प्रयोग बड़े बड़े कंडेंसिंग प्लांटों में किया जाता है। प्लांट जो बड़े बड़े होते हैं, इस कंप्रेसर का प्रयोग वहां पे करते हैं जो बड़े बड़े, जैसे हमारे कोल्ड स्टोर है या आइस फैक्ट्री बनती है, आइस प्लांट है, उनमें बड़े बड़े उनमें सेंट्रीफ्यूगल पंप लगे होते हैं, वहां पे इसका कंप्रेसर है, ये लगे होते हैं सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। उसके बाद आता है पांच नंबर में क्या है कि इसमें कम लुब्रिकेंट व कम देखभाल की आवश्यकता होती है। इसमें लुब्रिकेंट ऑयल की कम आवश्यकता होती है और एक बार लगा दिया तो निश्चित इसकी देखभाल बहुत ही कम करनी पड़ती है। तो दोस्तों, ये छोटी सी सूचना, छोटी सी जानकारी के सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के लाभ क्या क्या होते हैं, तो हमने आपको इस वीडियो में पांच प्रकार के लाभ बताए हैं। आप इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि अपने दोस्तों के साथ भेजें और उनको भी सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, जो भी मैकेनिक आरईसी से संबंधित कार्य करते हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।